सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हमारा आज का यह एपिसोड बाकी के अन्य एपिसोड से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये टॉपिक सोचने लायक तो जरूर है। अब वो टॉपिक क्या है वो तो आपको वीडियो का टाइटल देख के मालूम पड़ ही गया होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक को लेकर हमें सवाल इसलिए आया क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स का दूसरा बैच, जिसमें 3 राफेल फाइटर्स थे, वो फ्रांस से भारत नॉन स्टॉप फ्लाई करके आए थे। यानी कि उन्होंने बीच में कहीं पर भी स्टॉप नहीं लिया था और फ्रांस से भारत की जो यात्रा थी वो करीब 8 घंटे से भी अधिक की थी। तो इसलिए हमारे मन में सवाल आया था और हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मन में भी ये सवाल आया हो कि जब फाइटर पायलट्स को लंबे समय तक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर समय बिताना पड़ता है, तो मान लीजिए अगर ऐसे समय पर फाइटर पायलट को वॉशरूम जाना है तो वो इस चीज को कैसे मैनेज करते होंगे। तो अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर बेहद ही कम स्पेस होता है और वो स्पेस केवल उतना ही होता है जिसमें एक पायलट फिट हो सके, और फिर उसमें पायलट के बैठने के बाद पायलट के पास इतनी जगह नहीं बचती है कि वो आसानी से अपनी बॉडी को इधर उधर मैन्यूवर कर सके, और ऊपर से फाइटर पायलट का जी सूट और उससे जुड़े हुए अलग अलग इक्विपमेंट, तो उसके बाद फाइटर पायलट के पास फिर इतनी जगह भी नहीं बचती है कि अगर वो पीछे मुड़ के देखना चाहे तो वो ऐसा भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अब आज के समय में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित किया जा रहा है उन्हें और भी कॉम्पैक्ट बनाया जाता है और उनमें आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगा, और ऐसा इसलिए है ताकि फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसलिए अब सवाल यह है कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो मान लीजिए अगर उड़ान के दौरान फाइटर पायलट को वॉशरूम जाना है यानी कि उसे टॉयलेट करनी है, तो फिर ऐसी स्थिति के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निक है पिडल पैक की। पिडल पैक एक प्लास्टिक का जिप लॉक टाइप का बैग होता है और इस पिडल पैक के अंदर एक खास तरह का पाउडर होता है, और इस पाउडर का काम ये होता है कि जब इसमें यूरिन मिक्स होती है तो पाउडर यूरिन को एब्जॉर्ब करके उसे एक सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि फ्लाइट के दौरान लिक्विड के फॉर्म में रह के वो कोई दिक्कत ना पैदा करे, और अगर मान लीजिए किसी केस में वो बैग फट जाता है तो भी उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, और इसलिए फाइटर पायलट अपने साथ इस पिडल पैक को कैरी करते हैं। और मान लीजिए अगर फ्लाइट के दौरान पायलट को टॉयलेट करना है तो वो एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड और एयर स्पीड को लिमिट में लाके पहले एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड में डालेगा और फिर उसके बाद सूट को अनजिप करके जो करना है वो करेगा, और फिर उस बैग को सील करके एयरक्राफ्ट के एक छोटे से कंपार्टमेंट में रख देगा। हालांकि फाइटर पायलट्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान हर तरह की स्थिति के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए आखिर है तो वो भी इंसान ही। तो इसलिए अगर किसी फाइटर पायलट को काफी लंबे समय तक जर्नी करनी है फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वह ऐसी स्थिति में वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पिडल पैक का इस्तेमाल करता है। हालांकि सुनने में तो ये काफी आसान सा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये जो चीजें आपको करनी है वो आपको सुपरसोनिक रफ्तार में करनी है, तो इसलिए फाइटर पायलट को इसका इस्तेमाल करने के लिए भी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही करना होता है। और ऊपर से पिडल पैक के साथ एक इशू ये रहता है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए पायलट को अपने जी सूट को अनड्रेस करना होता है। हालांकि जी सूट में जिप होती है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती है कि पायलट आसानी से सब कुछ कर सके, और इसलिए पिडल पैक की इसी कमी को ध्यान में रखते हुए आजकल एक खास तरह का डिवाइस भी विकसित कर लिया गया है जिसे AMX के नाम से जाना जाता है, और ये एक अंडरगारमेंट्स का स्पेशल सेट है जो पायलट अपने जी सूट के अंदर ही पहनता है, और इस सिस्टम का एक हिस्सा वैक्यूम से जुड़ा होता है, और इसलिए मान लीजिए अगर पायलट को टॉयलेट करना है तो उसे अंड्रेस होने की जरूरत नहीं है, उसे बस वैक्यूम ऑन करना है और फिर उसके बाद वो सिस्टम की मदद से फ्रेश हो सकता है। और जो ये पूरा सिस्टम होता है ये एंड में जाकर एक बैग से जुड़ा होता है, तो मान लीजिए फाइटर पायलट ने टॉयलेट किया तो जो उसका यूरिन है वो डायरेक्टली उस बैग में ट्रांसफर होगा, और ये एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हालांकि सिस्टम को पहन के रखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता होगा, लेकिन ये सिस्टम खास करके विमेन फाइटर पायलट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, और सिस्टम के रहते हुए उन्हें पुराने कन्वेंशनल मेथड यानी कि वो पिटल बैग वाले मेथड को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अधिकतर केसेस में विमेन फाइटर पायलट्स को लंबे समय वाले मिशंस नहीं दिए जाते हैं। बाकी एक मेथड ये भी होता है कि फाइटर पायलट के जी सूट में ही कुछ यूरिन बैग्स स्ट्रैप्ड होते हैं और वो बैग्स एक होल्डिंग टैंक से कनेक्ट होते हैं। और आपको बता दें कि फ्लाइट के दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर टॉयलेट करने के लिए जितने भी सिस्टम्स हमने आपको इस एपिसोड में बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक तो फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिसमें जरा सी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है,
और ऐसे में पायलट को अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखने की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए अगर पायलट को बहुत जोर की टॉयलेट आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि उसका असर पायलट के फोकस पर भी जरूर पड़ेगा, और वैसे भी टॉयलेट को ज्यादा देर तक रोक के रखने से भी हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इस तरह के सिस्टम्स बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।